अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक प्लीट्स वाला ट्राउज़र कैसे बना सकते हैं। लोग इसे प्लेट्स कहते हैं लेकिन एक्चुअली प्लीट्स होती हैं ये, ठीक है। अब आपने तकरीबन ट्राउज़र का कपड़ा लेना है, 2.5 मीटर आपको ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए होता है। इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा क्योंकि हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे। सो आप इस तरह चार ये कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्डेड कर लिया है, ठीक है। चार इसके हिस्से होंगे, आप देख सकते हैं। आपने प्रेस करके कटिंग करनी है क्योंकि प्रेसिंग के बगैर कटिंग सही नहीं होती, ठीक है। अब आप अपने नाप का कोई सा भी ट्राउज़र ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये ले लिया है, और इसको अच्छे से प्रेस करनी है। ये देखिए, ऊपर वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी और साथ में मुझे नीचे भी थोड़ा ज़्यादा पोर्शन छोड़ना होगा, पैंचों के अलावा भी थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना होगा क्योंकि जब प्लीट्स बनेंगी तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कटिंग कर लीजिए। हमेशा कटिंग थोड़ी सी खुली किया करें अपने ट्राउजर से क्योंकि जब स्टिचिंग होगी तो कपड़ा आपका तंग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें लेस भी चाहिए होगी, अपनी पसंद की लेस ले सकते हैं। वाइट भी लोग लगाते होते हैं और कलर्ड की भी लगाते हैं। अब सबसे पहले आपने करना ये है कि साइडों से ट्राउज़र को खोल के, जिस तरह निकर शायद मतलब एक खुला ट्राउज़र होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं दोनों बॉर्डर्स को सी लेना है। पूरा ट्राउज़र नहीं सीना आपने, सिर्फ साइड्स पे सीना है, ठीक है, ताकि मैं एक पूरा पांचा जो है मेरे पास आ जाए। ये मैंने साइड्स को सी लिया। अब ये मैं जहाँ पे इलास्टिक डालते हैं उस जगह को मैंने इसको स्टिच कर लेना। आप देख लें इलास्टिक की जगह को हम किस तरह बंद करते हैं, फिर एंड में हम उसका एक छोटा सा साइड पे सुराख करके उसमें हम इलास्टिक यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम अटैच इलास्टिक भी किस तरह बनाते हैं, वो भी आपको जल्दी वीडियो में मिलेगा। अब खैर, ये दो काम मैंने कर लिए, अब हम आ जाते हैं अपनी प्लीट्स की तरफ। अब जो मेन काम है कि मुझे ये किस तरह बनाना है, हम उस पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं कि हमने प्लीट्स कैसे बनानी है। रिमेंबर फ्रेंड्स, जो आपका पैंचा है, ठीक है, पैंचे से आपने दो हाथों के बराबर तकरीबन कपड़ा जो है वो काट लेना है, ठीक है। ये पाँव हैं उसके ट्राउज़र के, ये आपने अलग से रख लेना है। और ये जो आपका कपड़ा है, जो आपके पास अब ट्राउज़र है, अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने यहाँ लगानी है लेस, ठीक है। जो आप वाइट लेते हैं लेस, जिस तरह की भी आप लेना चाहते हैं, मैंने ग्रीन ली है। तो अब मैं इसको ना नीचे रख के ना ट्राउज़र के नीचे साइड पे आपने इसको रखना है और आपने इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं इस पर प्लीट्स डालूँगी। दो मैं ऊपर प्लीट्स डालूँगी इसके, और फिर जो कपड़ा मैंने काटा है दो प्लीट्स मैंने उस पर डालनी है, और फिर मैंने दोनों को अटैच कर लेना है। तो आप इसे फुल कंसंट्रेशन से देखें, आपको ये बहुत आसान और ईजी तरीका हम बता रहे हैं कि आप किस तरह प्लीट्स वाला वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने दूसरे जो आपने काटा था पोर्शन, आपने उसको इसके साथ स्टिच कर लिया, ठीक है। लेस आपने नीचे रख के स्टिच की है। अब फ्रेंड्स, मैं इस पे प्लीट्स लगाऊंगी। आपने ऐसे तकरीबन दो उंगली के फासले से कपड़ा लेके आपने इसे बहुत पतला सा स्टिच कर लेना है। ये मैंने प्लीट डाल लिया, आप देख सकते हैं। अब इतना ही फर्क रख के तकरीबन यहाँ से मैं लेकर इसको मैं स्टिच कर लूंगी। अब फ्रेंड्स, दो प्लीट्स आपने जो है वो नीचे वाले पोर्शन में डाल ली हैं, ठीक है। याद रखिए, कपड़ा आपको ज़्यादा चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं तैयार हो गई है। अब इसी तरह का फासला रख के आपने दूसरी साइड पर, ऊपर वाली साइड पर भी दो प्लीट्स डाल लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये तकरीबन ऊपर और दो दो मैंने ऊपर और दो नीचे डाल दी। अब मैं पैंचा बनाने लगी हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फासला रख के पैंचा बनाइएगा, प्लीट्स ऊपर होती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होती। तो ये अब आपने पैंचा जो है वो सी लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करके, आपने थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है, जितना आपको चाहिए। खुला चाहिए तो आप थोड़ा खुला रख लीजिएगा। इसको हम करेंगे यहाँ से सिलाई करेंगे, कपड़ा बाहर ज़्यादा छोड़िएगा ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसको चेंज करने की तो अंदर इतना कपड़ा हो कि आप इसको चेंज कर सकें। अब ये आपने दूसरा जो है वो इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर नाप रख के आपने उसको स्टिच कर लेना है।
तीसरा फ्रेंड्स, आप पूरी अंदर तक सिलाई कर लीजिए, साइड्स तो ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो इस तरह आपने दूसरा पेंचा भी आपने उसी तरह प्लेट्स लगा लेनी है और आपने अंदर से पूरा इसको स्टिच कर लेना है। जितनी फिटिंग आपको चाहिए उसकी फिटिंग के मुताबिक आप रख लेंगे। ये तैयार हो चुका है, अब साइड से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लें ताकि आपको ये तंग ना करे, और छोटे छोटे कट्स लगा लें। आप चाहें तो आप इसकी एप्लिक वगैरह करवा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। शलवार हो तो आप शलवार के साथ भी बना सकते हैं, ट्राउज़र के साथ भी ये बना सकते हैं। इसी तरह आपको मैं बाजू भी बनाना सिखाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।